हाय गाइस, इट्स मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मेरा काया स्किन क्लिनिक का जो स्किन पील है उसका अपॉइंटमेंट। सो आई थॉट टू टेक यू गाइस अलोंग विद मी एंड ऑल्सो मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, सो वो भी मैं आते वक्त कर लूँगी। सो द रीज़न व्हाई आई एम डूइंग दिस पील इज बिकॉज मेरे जो स्किन में है काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन बढ़ चुका है। दैट इज़ बिकॉज क्वाइट रिसेंटली मैंने एक न्यू प्रोडक्ट ट्राई किया था जिसके वजह से मेरा जो स्किन बैरियर है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा उसके पैचेस रह गए हैं एंड दीज आर स्टो लाइक यू नो सो स्टबर्न कि ये जा ही नहीं रहे हैं। सो आई थॉट ऑफ डूइंग दिस स्किन पील विद काया। सो ये स्किन पील्स मैंने अपने शादी के वक्त विच वॉज ऑलमोस्ट लाइक 10 years बैक तब कराया था एंड तभी मेरा स्किन एकदम ही लाइक क्रिस्टल क्लियर हो गया था। सो आई थॉट करा लेते, एक आध बार तो करा ही सकते बिकॉज ये जो मार्क्स है ना ये जा ही नहीं रहे एंड हर हर रोज़ मेकअप वेयर करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है एंड इट लुक्स लिटिल नॉट सो गुड। सो मैंने सोचा ये करा लूँ। सो अभी मेरे काया अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम है, सो मैंने सोचा मम्मी का ब्लड ग्लूकोज जो है मैं वो चेक कर लूँ। सो हम मम्मी पापा दोनों का जो ब्लड ग्लूकोज है वो रेगुलरली चेक करते रहते हैं बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू नो आफ्टर अ सर्टन एज टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो बार बार डॉक्टर के पास तो ऑब्वियसली कोई नहीं जा सकता रेगुलरली ये सब चेक कराने के लिए। सो दैट इज़ वाई वी हैव ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग किट एट आर प्लेस इटसेल्फ विच इज़ वेरी वेरी ईजी टू यूज। So, अगर आपके भी पेरेंट्स हैं या यू नो इफ यू वॉन्ट टू रेगुलरली कीप अ ट्रैक ऑफ योर ओन ब्लड ग्लूकोज देन आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट ऑप्शन। सो जो मैं किट यूज करती हूँ इज बाय द ब्रांड कॉल अगारो एंड दिस इज बेसिकली द ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसका मैं डिटेल्स और दे देती हूँ, इसमें कैसे फंक्शंस होता है, कैसे इसको यूज़ करना है, बिल्कुल भी बहुत ईजी और सिंपल है इसको यूज़ करना। सो पहले मैं इसके थोड़े से डिटेल्स दे देती हूँ और फिर हम लोग मम्मी का ब्लड ग्लूकोज भी चेक करेंगे। सो ये है अगारो का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम जिससे आप घर बैठे ही अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा ये मेन डिवाइस जो कि है ग्लूकोमीटर, ये CR2032 बैटरी, एक लैंसिंग डिवाइस, 50 पीसेस ऑफ स्ट्रिप्स एंड 50 पीसेस ऑफ लैंसेट्स विच आर नीडल्स और ये एक कैरिंग केस। ये कैरिंग केस काफ़ी कॉम्पैक्ट है सो ट्रैवल के समय पर भी आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। इस ग्लूकोमीटर की USP ये है कि काफ़ी लेस ब्लड सैंपल लगता है टेस्टिंग के लिए और इसमें आपको 180 मेमोरीज देखने को मिलती है, यानी कि जो रीडिंग्स आप लेते हैं उसको आप सेव भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले इस मशीन में आपको बैटरी इंसर्ट करना होगा इस तरीके से। नेक्स्ट आपको मिलेंगे 50 पीसेस के टेस्ट स्ट्रिप्स। ये टेस्ट स्ट्रिप्स ख़त्म होने के बाद आप सेपरेटली भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। स्ट्रिप्स पर एक एरो दिया गया है और ये जो एरो वाली साइड है ये ग्लूकोमीटर मशीन में जाएगी और दूसरी साइड में ब्लड सैंपल लगेगा। इसके साथ आपको मिलेंगे 50 पीसेस लैंसेट्स के यानी नीडल्स के। सो इन लैंसेट्स का यूज़ होता है ब्लड शुगर लेवल्स की टेस्टिंग के समय। ये लैंसेट्स भी आप ख़त्म होने के बाद अलग से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये लैंसिंग डिवाइस जिसका यूज़ पियर्सिंग के लिए किया जाता है। इसकी एक तरफ कैप दी गई है जिसको ओपन करके आप लैंसेट अंदर प्लेस कर सकते हैं। नीडल अंदर कितनी पियर्स होनी चाहिए उसके लिए यहाँ पे 9 लेवल्स दिए गए हैं, जो कि है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड 5। सो आप अपने हिसाब से एक लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको ये कॉकिंग कंट्रोल दिया गया है जिसको आपको खींचना पड़ता है। खींचने के बाद ये ऑरेंज बटन ऊपर आ जाता है और इसी बटन को जब आप आगे प्रेस करेंगे तो ये लैंसेट को आगे की तरफ रिलीज करता है और प्रिकिंग होती है। फर्स्ट टाइम या कभी भी डेट और टाइम चेंज करने के लिए आपको M बटन को प्रेस करना है। सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो है ईयर। सो यहाँ सिंस ये 2024 है मैं S बटन को प्रेस करूँगी जब तक 24 ना आ जाए। कन्फर्म करने के लिए आप M को फिर से दबाएं। नेक्स्ट आपको सेट करना होगा मंथ। सो यहाँ 1 से लेकर 12 तक आपको नंबर मिलेंगे जो एवरी मंथ को डिनोट करता है। यहाँ मैं 2 सिलेक्ट करूँगी फॉर फेब्रुअरी। अगेन M बटन को आपको प्रेस करना है इसको कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट सेट कीजिए डेट, यहाँ पे मैं 22 सिलेक्ट करूँगी। अगेन आपको M बटन को प्रेस करना है इसे सेट करने के लिए। इसके बाद आप टाइम को भी सेट कर सकते हैं।
टाइम भी 24 आवर फॉर्मेट में है, सो यहाँ मैं 18 सिलेक्ट करूँगी फॉर 6 o'clock एंड 15 मिनट्स। टाइम सेट करने के बाद जब आप एम प्रेस करोगे तो आपको ओके दिखाई देगा स्क्रीन पर और फिर डिवाइस अपने आप ही बंद हो जाएगा। इसके यूजर मैनुअल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए पहले आपको रेडी करना होगा ये लैंसिंग डिवाइस। सबसे पहले ये लैंसिंग डिवाइस को आप खोले और फिर एक लैंसेट इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट करें और अच्छे से प्रेस करें। इसके बाद आप लैंसेट के ऊपर के इस कवर को ट्विस्ट कर निकालें। निकालते ही आपको अंदर दिखाई देगी ये नीडल। ध्यान से आप कैप को फिर से लगा लें और इसके बाद आप प्रिकिंग इंटेंसिटी सिलेक्ट करें अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं 5 सिलेक्ट कर रही हूँ। अब रिलीज बटन को सेट करने के लिए कॉकिंग बटन को ऐसे पीछे खींचे। अब आप प्रिकिंग कर सकते हैं इस ऑरेंज बटन को प्रेस करके। ग्लूकोमीटर को ऑन करें या बिना ऑन करे भी आप ये टेस्ट स्ट्रिप डाल सकते हैं, वो अपने आप ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद जो कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको एक बार टेस्ट स्ट्रिप के बॉक्स पे दिए हुए कोड से मैच कर ले और ये कोड सेम ही होना चाहिए तो ही आप टेस्ट कर सकते हैं। अब एस बटन को प्रेस करें। यहाँ पे आप टाइप ऑफ टेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि है कंट्रोल सॉल्यूशन टेस्ट, बिफोर मील टेस्ट एंड आफ्टर मील टेस्ट। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ आफ्टर मील टेस्ट। अब टेस्ट स्ट्रिप को आप ब्लड सैंपल से टच करें एंड विद इन 5 seconds ओनली ब्लड शुगर लेवल्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये ब्लड शुगर लेवल एकदम ही नॉर्मल है करके यहाँ कोई भी दूसरे टाइप का इंडिकेटर एक्टिव नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको इस तरीके के इंडिकेटर्स डिस्प्ले हो जाएंगे अगर आपका ब्लड शुगर कम या ज्यादा हुआ तो। टेस्ट हो जाने के बाद आप टेस्ट स्ट्रिप को इस तरीके से निकालें एंड उसे डिस्पोज कर दें। लैंसेट की कैप को इस तरीके से निकालें और एक बटन की पुश से आप नीडल को छुए बिना उसे डायरेक्टली डिस्पोज कर सकते हैं। इसमें मेमोरी फंक्शन भी है सो 180 रीडिंग्स ये सेव कर सकता है। इसमें आप 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज एंड 28 डेज के एवरेजेस को भी देख सकते हैं। इसी तरीके से बड़ी आसानी से ब्लड शुगर लेवल्स का रिकॉर्ड रखा जा सकता है, स्पेशली अगर आपके घर में किसी को भी डायबिटीज है तो। सो इसके बाद मैं निकल गई अपनी ग्रोसरी शॉपिंग और काया के स्किन के अपॉइंटमेंट के लिए। ऑल्सो गाइस, मुझे मार्ट से थोड़ा सा सामान लेना है, हेयर कलर वगैरह, तो वो भी मैं अभी ले लेती हूँ। सो यहाँ मुझे ज़्यादा तो कुछ लेना नहीं था, बस थोड़ा सा हेयर कलर, मतलब एक पैकेट ऑफ हेयर कलर लेना था, बॉडी वॉश लेना था और थोड़े से लाइक यू नो जो चटपटे नमकीन वो सारे कुछ लेने थे। सो यहाँ पे मैंने वही सब पहले ले लिया एंड इसके बाद मैं निकल पड़ी काया के अपॉइंटमेंट के लिए। सो यहाँ मैं पहुँच गई काया क्लिनिक में। सो सबसे पहले तो मेरे फेस को अच्छे से क्लीन किया गया था एंड एक बेसिकली एक मॉइस्चराइज़र लगा के उसको 5 minutes रखने को कहा था, जिसके बाद डॉक्टर आ गई थी एंड शी स्टार्टेड बेसिकली यू नो अप्लाइंग द कॉस्मोपील। सो मैंने कॉस्मोपील बेसिकली लिया था विच इज़ गुड इफ़ यू हैव लाइक सिवियर पिगमेंटेशन लाइक मी। तो पहले ये पील लगा के एटलीस्ट फॉर 2 minutes इस पील को रखा था एंड जब ये 2 minutes तक मेरे फेस पर रखा हुआ था तब फैन की मदद से यू नो एयर भी ब्लो कर रहे थे मेरे फेस में सो दैट थोड़ा सा भी इरिटेशन ना हो। सो कभी कभार क्या होता है ना, बिकॉज दीज पील्स आर सो पोटेंट, कभी कभी स्किन में थोड़ी सी इचिंग फील होती है तो यू नो एप्लीकेशन प्रोसेस एंड उसके बाद जब 2 minutes इसको रखते हैं बहुत थोड़ा सा इची टाइप फील होता है। सो बेसिकली फ़ैन के वजह से बिकॉज दैट विंड ब्लोस थोड़ा सा इरिटेशन कम फील होता है, बट लकीली मुझे इस बारी कोई भी टाइप का इरिटेशन फील नहीं हुआ। सो 2 minutes के बाद ये दूसरा न्यूट्रलाइजर लगाते हैं विच इज़ बेसिकली अ थिंग टू Neutralize the peel that the doctor had applied. So ये white color में आता है ना, इसी तरीके से पूरे face पे you know massage करते हैं and basically वो peel को neutralize करते हैं, जिसके बाद इस neutralizer को भी अच्छे से पोंछ दिया जाता है और उसके बाद एक sunscreen जो होता है good you know SPF वाला sunscreen वो apply करके आपको finish कर देते हैं आपका session. So basically इसके बाद you have to cover your face for एटलीस्ट अ वीक, कवर एज इन यू बेसिकली हैव टू अवॉइड गोइंग आउट इन द सन, और अगर आप सन में भी जा रहे हो तो बेसिकली आपको थोड़ा सा उसको है ना प्रोटेक्शन देना, या तो आप अम्ब्रेला ले लें या फिर आप यू नो अपने फेस को थोड़ा सा रैप करके प्रोटेक्ट करें सन रेज से।
सो ये होने के बाद मैं निकल गई घर पे. ओके गाइज, आई एम बैक फ्रॉम काया और दिस इज द आफ्टर पील का इफेक्ट. मतलब अभी थोड़ा सा वो शाइनी दिख रहा है मेरा स्किन, बट बेसिकली ये जो स्किन है अभी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 डेज ये पील होगा. लिटरली ये जो फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन होता है, ये जो भी आपको स्किन दिख रहा है, ये धीरे धीरे यू नो ड्राई होके ये पील होगा. तो उसका भी जो जितने भी क्लिप्स है, लाइक आई एम गोना टेक अ पिक्चर ऑफ यू नो माई फेस हाउ इट लुक्स लाइक एवरी सिंगल डे फॉर द नेक्स्ट 10 to 2 weeks ऑलमोस्ट. और मैं ये एंटायर प्रोसीजर का एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ, जस्ट सो दैट अगर आपको भी इंटरेस्ट है इस तरीके का प्रोसीजर में, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, सो अभी बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पूछो मत. सो आई एम गोइंग टू नाउ ड्रिंक माई लस्सी. सो ये जो यहाँ पे जो महानंद के स्टॉल्स होते हैं ना, आई डोंट नो इफ इट इज़ देयर इन एनी अदर स्टेट और नॉट, बट मुंबई में तो स्पेशली होते हैं महानंद करके और अमूल के जो स्टॉल्स होते हैं, वहाँ की जो लस्सी है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. 25 रुपये का एक पैकेट आता है, एक ग्लास भर के उसमें लस्सी मिल जाती है एंड इट्स सो यमी एंड टेस्टी. इट्स द परफेक्ट स्वीटनेस, परफेक्ट ठंडा, इट्स यमी. सो आई एम गोइंग टू रिलैक्स नाउ एंड एंजॉय दिस लस्सी. सो उसके बाद मैं क्यू को स्कूल से लेके आ गई और यहाँ पे मैं उसको खाना भी खिला रही थी और साथ में मस्ती भी चल रही थी. So yeah, that's it for today's vlog guys. I hope you guys enjoyed this vlog. Do let me know in the comments how did you like this vlog. Until then, bye-bye.